हेलो विद्यार्थियों मित्रों, मारू नाम दर्शित गोयाणी। बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। ट्वेल्थ साइंस एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 12 का हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 12 हमारा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन और हाउ टू अप्लाई इन बायोटेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड वी विल डिस्कस। लेट्स वी विल बी स्टार्ट इन फर्स्ट फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई। इट्स एग्रीकल्चर बेस पे हम कहाँ कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एग्रीकल्चर में क्या क्या बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के अंदर। अब एग्रीकल्चर के अंदर अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी यूज करनी है तो उसका मेन एक ही एम होना चाहिए कि हमें एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो। मतलब जो हमारा फूड प्रोडक्शन लेवल है, कॉटन का है, राइस का है, कि अदर कोई प्लांट है और अदर कोई प्लांट है जिसके अंदर से हमें फूड मिलता है और सब लोग इसके डिपेंडिंग सर्वाइव होते हैं, तो फार्मर को भी बेनिफिट हो ऐसी कुछ चीज और प्रोडक्शन भी हमें अच्छा मिले, तो ऐसा कुछ हमें बनाना है हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो थ्री मेन ऑप्शन है हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर फूड को इंक्रीज करने के। फर्स्ट तो है हम एग्रोकेमिकल्स यूज कर सकते हैं। गाँव में खेतों में एग्रोकेमिकल्स डीएपी यूरिया इस टाइप के जो फर्टिलाइजर है वो यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक खेती हम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है जेनेटिकली एंजीड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली एंजीड हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड सीड हो गए और इसके डिपेंडिंग हम इस तकनीक के डिपेंडिंग हम इस तरह के कुछ सीड बनाएंगे कि जिसके बेस हमें अच्छा सा अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। तो ये तीन ऑप्शन है। तो प्रॉब्लम वहां पे आता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करने में प्रॉब्लम सोयल का पोल्यूशन होता है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 16 के अंदर देखा। उसके बाद ऑर्गेनिक कल्चरल टेक्निक, अगर आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल टेक्निक यूज करेंगे तो उसमें आप क्वांटिटी में ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते, कोई स्पेशलाइज एरिया में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते। अब हमारे पास बचा एक ही ऑप्शन जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसके हेल्प से हम फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो हाउ वी विल बी अप्लाइड टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर इन आवर एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया। सो वी ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन आया, एग्रोकेमिकल्स और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हमने यूज किए, हाइब्रिडाइज सीड्स यूज किए, जिसके हेल्प से हमें ग्रीन रिवोल्यूशन आया। और ग्रीन रिवोल्यूशन आने की वजह से हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो तीन गुना बढ़ गया, ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। जो फूड सप्लाई है वो तीन गुना, मतलब जो प्रोडक्शन था वो तीन गुना ज्यादा हो गया। तीन गुना ज्यादा होने के बाद भी बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हमें फूड सप्लाई, मतलब फूड की जो मांग है मार्केट में, जो फूड सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो क्या करना है? तो अब उससे भी ज्यादा हमें इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना होगा, क्योंकि आज से 100 साल पहले और अभी हमारे पास जो एग्रीकल्चर कर सके ऐसी जो सॉइल थी, जमीन थी, उसकी क्वांटिटी सेम ही है, उसके अंदर कुछ कम या ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन प्रोडक्शन कम तब कम होता था, अब ज्यादा हो रहा है। अभी भी इतनी ही सॉइल, इतनी ही लैंड के अंदर हमें और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर करना। तो अब हम एग्रोकेमिकल्स और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर जो पॉल्यूशंस होता है, उस पॉल्यूशंस की वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं। अब ऐसे इश्यूज क्रिएट ना हो इसकी वजह से, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन है हमारे पास, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज करें और जिसके हेल्प से हम फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करें।
तो हाउ टू फूड प्रोडक्शन एंड हाउ टू अप्लाई जीएमओ जीनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स, कोई प्लांट है उसको हमें जीनेटिकली मॉडिफाई करना है हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कैसे करेंगे वो चैप्टर नंबर वन के अंदर देख चुके हैं कि वेक्टर प्लाज्मिड कॉम्बिनेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सेट्रा, डायरेक्टली हमें रिकॉम्बिनेट ऑर्गेनिजम्स बनाना, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स बनाना, डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स बनाने प्लांट बनाने, तो जिसके हेल्प से हम क्या जिसके हेल्प से हम फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते, तो हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट थिंग तो ये है कि जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाई एग्रीकल्चर बेस्ड हमें जीनेटिकली मॉडिफाई जीओमिक के जीएमओ के बेस हमें एग्रीकल्चर प्रोसेस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स सारे हमारे बुक्स के अंदर दिए गए हैं, टोटल 5 बेनिफिट्स हैं, उसकी डिटेल देता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्शन होगा फूड होगा उसके अंदर मिनरल्स और विटामिन का लेवल इंक्रीज होगा, उसके बाद प्लांट सबसे ज्यादा स्पीड में ग्रोथ होगा, शॉर्ट टर्म में हमें प्रोडक्शन मिलेगा, उसके बाद बहुत जो इंसेक्टिसाइड्स है बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड्स है जो हमारे प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम कम कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को हम किल कर सकते हैं, उसके बाद हमारे प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में सर्वाइव हो सके ऐसी उसके पास कैपेसिटी भी आ सकती है, जैसे कि लो टेम्परेचर लो वाटर क्वांटिटी पानी कम मिले तो भी सर्वाइव हो सके, ऐसे भी प्लांट हम बना सकते हैं। तो ये सारे उसके बेनिफिट्स थे, लेकिन हाउ टू यूज जीएमओ इन एग्रीकल्चर, हम किस तरह से जीएमओ को एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू यूज जीएमओ इन एग्रीकल्चर, तो लेट्स वी विल बी स्टडी ऑफ मोड ऑफ एक्शन इन जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स, प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, हमें जीएमओ की हेल्प से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का प्रोडक्शन करवाना है, पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब स्पेशल टाइप के जो इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट है उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस हो, मतलब वो इंसेक्ट उस प्लांट के अंदर कोई डिजीज ना प्रोड्यूस कर सके, ऐसा हमें प्लांट बनाना है विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज, और इसकी वजह से हमें क्या होगा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मिलेंगे तो हमें पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का हम स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर तो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा और जिसके वजह से सोइल का पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो ऐसा एक एग्जांपल है बीटी टॉक्सिन्स एज अ प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए एक बीटी टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन्स बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया है बेसिलस थुरैंजिनेसिस जिसके अंदर से हमने आइसोलेट किया है, वन टाइप ऑफ प्रोटीन है बीटी टॉक्सिन्स बेसिलस थुरैंजिनेसिस में से प्रोड्यूस किया हुआ वन टाइप ऑफ टॉक्सिन है, इस टॉक्सिन को क्या किया ये जो बीटी टॉक्सिन्स जीन्स है मतलब बेसिलस थुरैंजिनेसिस का जो टॉक्सिक जीन है उसको हमने प्लांट के अंदर इंजेक्ट करवा दिया हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इस जीन को हमने प्लांट के अंदर इंजेक्ट करवा दिया, अब क्या होगा हमारा जो नया प्लांट मिलेगा उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का यूजेस का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि अब इस प्लांट के अंदर वन टाइप ऑफ टॉक्सिन प्रेजेंट है, अब कोई भी इंसेक्ट इट्स प्लांट को ईट करेगा मतलब खाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा उसकी बॉडी के अंदर एक टॉक्सिन जाएगा और वो प्लांट वो जो इंसेक्ट है जो इस प्लांट को खाता है मतलब एज अ न्यूट्रिशन यूज करता है उस इंसेक्ट वही डेथ हो जाएगा। तो ऐसे हमें बीटी टॉक्सिन्स वाले प्लांट प्रोड्यूस करने हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट है बीटी कॉटन्स बीटी राइस बीटी टोमेटो बीटी पोटेटो बीटी सोयाबीन्स एक्सेट्रा, मतलब पीएसएलियम थुरैंजिनेसिस जीन्स जिस भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है ऐसे प्लांट को हम बीटी कॉटन बीटी राइस बीटी टोमेटो बीटी पोटेटो बीटी सोयाबीन एक्सेट्रा ऐसे नाम दिया। तो एक मोड ऑफ एक्शन थी एग्रीकल्चर बेसिस पर जीएमओ यूज करने की। दूसरी मैं बात बताऊं कि बीटी कॉटन के अंदर पर्टिकुलरली किस तरह से जीएमओ यूज करता है वर्क करता है उसकी बात करें तो हमारे पास बेसिलस थुरैंजिनेसिस एक टॉक्सिक प्रोटीन है जो बैक्टीरिया के अंदर से प्रोड्यूस होता है, वो प्रोटीन्स इंसेक्ट को किल करने में हेल्प होता है, पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट को बीटी टॉक्सिन है वो किल करता है लाइक लेप्टिडो
लाइक लेप्टिडोपेट्रा, दूसरा है कोलियोप्टेरा और तीसरा है डिप्टेरन। ये तीन टाइप के इंसेक्ट है, लेप्टिडोपेट्रा, कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स, ये तीन टाइप के इंसेक्ट है। उसको एक बीटी टॉक्सिन है जो बेसिलस थुरेंजिनियस बैक्टीरिया की स्पीसीज है उसके अंदर से आइसोलेट किया है, उसको हम किल कर सकते हैं। तो लेप्टिडोप्टेरा के इंक्लूड कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, तो टोबेको, बर्ड वर्म्स और आर्म वर्म्स वो इंक्लूड होती है। टोबेको के अंदर जो डिजीज प्रोड्यूस करती है ऐसी एक वर्म लाइक अर्थ वर्म जैसी, देन आफ्टर कोलियोप्टेरा के अंदर बेटल्स इंक्लूड होते हैं, डिप्टेरेंस के अंदर फ्लाई और मॉस्किटो इंक्लूड होते हैं। मतलब फ्लाई, मॉस्किटो, बेटल्स, आर्म वर्म्स और टोबेको बर्ड्स वर्म की वजह से जो भी डिजीज होते हैं प्लांट को, उससे हमें इस बीटी टॉक्सिन की हेल्प से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होने वाला जो जीन्स है उस जीन को हमें प्लांट के अंदर इंजेक्ट करवा के प्लांट को रिकॉम्बिनेट जेनेटिकली मॉडिफाई करना है। और अब इस तरह के प्लांट के अंदर हमें ये जो लेप्टिडोप्टेरास, कोलियोप्टेरान्स और डाइप्टेरान्स की वजह से जो भी डिजीज हो रहे थे वो डिजीज नहीं होगी और उसकी वजह से हमें प्लांट रेजिस्ट होगा। और ये डिफरेंट मतलब पर्टिकुलर तीन टाइप के जो इंसेक्ट है उससे हमारा प्लांट रेजिस्ट हो जाएगा। अब इस प्लांट से होने वाली डिजीज से हमारे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। तो किस तरह से हमें यूज करना है, ये बीटी टॉक्सिक प्रोटीन है और ये नॉर्मल सीड है, प्लांट सीड है, उसके अंदर हमें ये जीन्स ट्रांसफर करवाना है हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और हमें एक हाइब्रिडाइज सीड बना है, बीटी सीड बनाना है। अब ये सीड हमने बोया और नया प्लांट बना। अब ये बीटी टॉक्सिन वर्क कैसे करता है तो आपको बता दूं, इंसेक्ट आर ईट टू लीव्स फ्रूट्स ऑफ द बीटी प्लांट्स। हमारा जो हाइब्रिडाइज सीड था उसको हमने जर्मिनेट करवाया, नया प्लांट मिला लाइक बीटी कॉटन मिला, और बीटी कॉटन के फ्रूट्स हो गए, उसके सीड्स होगा और कॉटन होगा, उन सबको अर्थवर्म होगी, लेप्टिडोप्टेरास होगी, कोलियोप्टेरास होगी, डाइप्टेरास कोई भी, फ्लाइज एक्सेट्रा, उसको एज अ न्यूट्रिशन, उसके लीव्स एक्सेट्रा को एज अ न्यूट्रिशन यूज करेगी। तो क्या होगा, एज अ न्यूट्रिशन यूज करेगी और वो लीव्स पत्ते सब वो अर्थ वो जो वर्म्स थी उसकी बॉडी के अंदर, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर चला गया। अब इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एक बीटी टॉक्सिन गया, अब हमारे प्लांट के अंदर जो बीटी टॉक्सिन था वो इनएक्टिव फॉर्म में था, प्लांट के अंदर हमारा जो बीटी टॉक्सिन था वो इनएक्टिव फॉर्म में था, बट अब इंसेक्ट के डाइजेस्टिव ट्रैंक में लीव्स पत्ते चले गए डाइजेस्ट होने के लिए, और उसमें से जो बीटी टॉक्सिन है वो इंटेस्टाइन मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है इंसेक्ट का, उसके अंदर अल्कलाइन पीएच होती है, इंटेस्टाइन के अंदर अल्कलाइन पीएच होती है हमें पता है। तो अल्कलाइन पीएच में ये बीटी टॉक्सिन एक्टिव होता था और एक्टिव होने के बाद इंसेक्ट की बॉडी में क्रिस्टल प्रोड्यूस होते हैं बीटी के, मतलब इस टॉक्सिन की वजह से इंसेक्ट की बॉडी के अंदर सेल क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इंटेस्टाइन है उसका जो इंसेक्ट का, उसके अंदर एक क्रिस्टल फॉर्म में पूरे सेल कन्वर्ट होते हैं और उसकी वजह से स्वेलिंग और लाइसिस होने लगते हैं, पूरा इंटेस्टाइन स्वेल होने लगता है और लाइसिस होने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है पूरा फट जाता है, इंसेक्ट के अंदर जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, इंटेस्टाइन ट्रैक है, पूरा टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंसेक्ट होते हुए इंसेक्ट डेथ हो जाते हैं। तो हमें क्या करना, हमें इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ा, स्पेशल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ा हमें इंसेक्ट को किल करने के लिए। हमारे प्लांट के अंदर इनबिल्ट ही ऐसा टॉक्सिन प्रेजेंट था इनएक्टिव फॉर्म में, और वो प्लांट जब भी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाएगा तभी वो एक्टिव होगा। तो ऐसे बहुत सारे जीन्स है एज अ टॉक्सिक जीन है जो ह्यूमन बींग और दूसरे जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है उसको, उसकी बॉडी के अंदर उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती, लेकिन ऐसे इंसेक्ट की बॉडी में एज अ वो पॉइजन वर्क करता है और उसको डेथ कर देता है, जिसके हेल्प से अब जैसे ही दूसरे इंसेक्ट डेथ हुए हमारे इंसेक्ट को पता चल जाएगा, दूसरे उसके फेमिलियर इंसेक्ट को पता चल जाएगा कि ये पत्ते ये प्लांट खाने की वजह से ये इंसेक्ट का डेथ हुआ है, तो
इंसेक्ट भी बड़े चालाक होते हैं, अब इस तरह के प्लांट को वो एज अ न्यूट्रिशन यूज नहीं करेंगे और हमारे प्लांट सेल्फ प्रोटेक्टेड हुआ, हमारा प्लांट प्रोटेक्ट हो गया पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट, पर्टिकुलर इंसेक्ट से। अदर ऐसे टॉक्सिक है जैसे कि बीटी है, ऐसा ही क्राई है, जो क्राई वन एसी जो कॉर्न बॉन्ड के कॉर्न बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर जो मतलब कॉर्न हमारा होता है, आप उसे मकाई कह सकते हैं, उसके अंदर मकाई के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो हमारी मकाई के अंदर बॉन्ड्स क्लियर कर कन्वर्ट करते हैं, तो उससे प्रिवेंट के लिए क्राई वन एसी है, ऐसा जीन्स उसके हमारे कॉर्न्स के प्लांट के अंदर इंजेक्ट करवाना है। उसके बाद क्राई टू ए बी है जो बॉल वर्म्स को किल करता है पर्टिकुलरली, तो ऐसे बहुत सारे दूसरे भी टॉक्सिक है हमारी बुक्स के अंदर, क्राई वन एसी और क्राई टू ए बी, इस तरह के दो टॉक्सिक जीन है जो पर्टिकुलरली इंसेक्ट को किल करने में हेल्पफुल होते हैं। अब इस इंसेक्ट की वजह से कोई भी प्लांट को उसका प्रोडक्शन कम होता है, जैसे कि कॉर्न्स पूरे डीकम्पोज कर देता है हमारे बॉल वर्म्स, तो अब बॉल वर्म्स को किल करने के लिए क्राई टू ए बी जीन्स हमें इंक्लूड करवा देना है प्लांट के जीन्स के साथ, और हमें पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड पूरा नया प्लांट बनाना है जो बॉल वर्म्स से रेजिस्ट हो और जिससे जिसके हेल्प से हमारा जो कॉर्न्स के अंदर जो डिकम्पोजिशन का प्रॉब्लम क्रिएट होता था वो क्रिएट नहीं होगा। तो ये है पूरा हमारा बीटी कॉटन्स, बीटी कॉटन क्या है, उसके बाद हमें एग्रीकल्चर लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं, और एक और टेक्निक है जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, वो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, आरएनए इंटरफेरेंस, वो हम लास्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। हमने कल देखा था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उसके यूजेस के अंदर, आज हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है एग्रीकल्चर बेसिस, हम क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी हेल्प से कर सकते हैं। तो बीटी कॉटन्स मेन पार्ट था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की हमने, उसके बाद हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और उसके बेनिफिट मैंने बताए थे, ये सारे उसके बेनिफिट्स है, विटामिन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। उसके बाद ये बीटी वाला टॉपिक है बेसिलियम थुरिजिनस का पूरा, उसके बाद यहाँ पे पूरा पर्टिकुलर बीटी कॉटन की बात की कि बीटी कॉटन किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से इंसेक्ट को किल करता है। उसके बाद ऐसे बीटी टॉक्सिन के अलावा दूसरे भी जीन्स है, क्राई क्राई वन एसी, क्राई वन एसी एंड क्राई टू ए बी, जो कॉटन को बॉल वर्म से प्रोटेक्ट करते हैं, जो बॉल वर्म से जो बाउल्स वर्म से जो पर्टिकुलर कॉटन को डिस्ट्रॉय करती है, डिकम्पोज करती है, उससे बचाने के लिए भी बहुत सारे जीन्स है, उसको भी हमें इंक्लूड करवा देना है प्लांट के अंदर, तो हमारा पूरा प्लांट हाइब्रिडाइज और जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा और जिसके हेल्प से हमें प्रोटेक्शन मिलेगा और जिसके हेल्प से हमें फूड प्रोडक्शन कॉटन का प्रोडक्शन भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था पूरा बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट और एग्रीकल्चर बेसिस। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या है उसके बारे में हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। तब तक थैंक यू वेरी मच।